रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का सिलेबस। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम बिगिन से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वर्चुअल बॉक्स को कैसे करना है सारा काम। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वर्चुअल बॉक्स का फ़ायदा क्या होता है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक चाहिए वर्चुअल बॉक्स, एक हमें चाहिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक हमें क्या चाहिए? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए सक्सेसफुली अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हम वर्चुअल बॉक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स के बगैर हम काम क्यों नहीं कर रहे, तो अगर हम वर्चुअल बॉक्स के बगैर की बात करें तो फिर क्या होगा? हमें क्या क्या चाहिए? एक हमें सर्वर चाहिए होगा, और जितने हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अगर हम विंडोज 10 के ऊपर काम करना चाह रहे हैं के लिए हमें एक लैपटॉप चाहिए होगा, अगर हम विंडोज 7 के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक मशीन चाहिए होगी, और अगर हम समझ लें लिनक्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग मशीन चाहिए होगी। मतलब जितने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं उतने हमें अलग अलग पीसी चाहिए होंगे जिसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो फिर ये सर्वर और ये मशीन्स को जोड़ने के लिए हमें एक राउटर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें ये तमाम सिलेबस, ये तमाम चीज़ें जो है ना चाहिए होंगी। इसके बगैर जो है ना वो कोई भी शख्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पढ़ सकता। तो क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो स्टूडेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई, वो एक पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तीन चार ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीज को कैसे अफोर्ड करेंगे? स्टूडेंट्स भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था वर्चुअल बॉक्स। तो अब बात करते हैं कि वर्चुअल बॉक्स क्यों आया है। तो वर्चुअल बॉक्स का एडवांटेज क्या होता है कि हम एक वर्चुअल बॉक्स अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो लैपटॉप में इंस्टॉल करके हम उसमें जितने हमारे दिल चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। मल्टी हमें सिर्फ और सिर्फ एक पीसी चाहिए होता है, और उस पीसी के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम के ऊपर इंस्टॉल करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। हमने क्या करना होता है वर्चुअल बॉक्स में? बस डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनानी होती हैं, और वर्चुअल मशीन्स के साथ साथ हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हर वर्चुअल मशीन जो होता है ना वो पूरा एक फिजिकल कंप्यूटर की तरह, फिजिकल पीसी की तरह काम कर रहा होता है। ये हमने वीएम बना लिया मिसाल के तौर पर विंडो 10 के लिए, ये हम वर्चुअल मशीन बना लेंगे विंडो 7 के लिए, ये हम वीएम बना लेंगे लिनक्स के लिए। ये तमाम काम किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर, और सिर्फ एक लैपटॉप में, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका होगा, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क। तो सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। वर्चुअल बॉक्स लेके आप याद रखनी है कि आपके जो पीसी है ना उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो वर्चुअल बॉक्स है वो अच्छे तरीके से काम करे। आपके प्रोसेसर, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आपकी जो रैम है ना वो 8 GB तो होनी चाहिए। 4 GB के ऊपर भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर काम करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें, Oracle VM Virtual Box, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये मिल गया लिंक। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हम 6 वाले वर्जन को नहीं करेंगे, क्योंकि जो 64-bit है उसको सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ये जो लिंक नज़र आ रहा है वर्चुअल 5.2 बिल्ड्स, ये वाला लिंक वर्चुअल 5.2 बिल्ड्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ओएस कौन सा है, सोलारिस है, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लें, या फिर लिनक्स का आपने करना है। हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का है, तो हम विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे,
ठीक है, तो ये हमारी जो डाउनलोडिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वालों की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये मिल जाएगी, आपने फर्स्ट लिंक के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो आपको इस तरह की विंडोज शो होगी। तो देखिए आपके पास विंडोज सर्वर 22 भी आ चुका है, विंडोज सर्वर 2019 है, यहीं से आप 19 के अलावा 16 भी यहीं से काट सकते हैं और 12 भी आप यहीं से काट सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, विंडोज सर्वर 2019 हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे ये वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें इसकी ISO चाहिए और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें, ठीक है। कंट्री और रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी पाकिस्तान, ठीक है, सर्च करना पड़ेगा, ये आ गया पाकिस्तान, ठीक है। और अब यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो आपको अपनी टिप्स ऑफर्स और कुछ जो अलग इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट वाले डिलीवर करते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप इसके ऊपर टिक कर दें, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दें, डाउनलोड पिस्टम, ये रह जी, ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये हमारी जो सर्वर की ISO इमेज है वो डाउनलोड हो रही है, तो ठीक है। तो अब आपको अगेन यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट वालों की ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, आपको सेलेक्ट एडिशन में ये नीचे यहाँ पे आके आपने विंडोज 8.1 सेलेक्ट करना है, कंफर्म करें। अच्छा जी, सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो आप सेलेक्ट कर लें इंग्लिश, ओके कंफर्म करें। अब आपने देखना है कि आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने देखना है कि आपका जो पीसी है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो मेरा जो पीसी है वो 64 बिट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से पता चलेगा। जिस पीसी पे जाएं, राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये देखें ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ये 64 बिट है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 बिट डाउनलोड कर लेंगे, और इसी तरह ये हमारी क्लाइंट ISO इमेज भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ। ओके जी, तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये थोड़ी जो ISO फाइल्स है ना दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की, थोड़ी हैवी है, मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ये जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है ये हो चुका है, हम इसको डाउनलोड हो गया, अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से विंडोज से प्रेस करें कीबोर्ड से कंट्रोल जे, तो आपको डाउनलोड्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये देखेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है वो हो चुका है। यहाँ से आप इसे शो इन अ फोल्डर करें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो आप अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप सी फोल्डर में, सी ड्राइव में मत रखें, बल्कि किसी और फोल्डर में रखें, ये बाद में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर्स का, इसके अंदर मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ऊपर डबल क्लिक करें, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, नेक्स्ट, डिफॉल्ट सेटिंग रहने दें, नेक्स्ट नेक्स्ट और यस इंस्टॉल, और इसे कर देंगे यस। रेकल VM वर्चुअल बॉक्स ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, और इसे भी इंस्टॉल कर दें। तो ये हो चुका है, इसे फिनिश करें। तो ये देखें जी, हमारा ये ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है VM, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन्स को कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए करेंगे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम सर्वर 2019। उसके बाद आप देख लें कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसमें लिनक्स चाहिए, सोलारिस चाहिए, मैकिंटोश चाहिए,
मैं यूज़ करूँगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वर्जन आपको मेरे यहाँ 32 बिट, XP, 2003, जो आप करना चाहें काट लें। मैं यूज़ करूँगी अदर विंडोज 64 बिट, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है। नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आप इससे मेमोरी एलोकेट कर दें 2 GB, ये हमारे पास इससे अलॉट हो गया 2 GB। और यहाँ पे आप इससे क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, क्रिएट, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे VGI वर्चुअल बॉक्स बॉक्स डिस्क इमेज, नेक्स्ट। और यहाँ पे आप चाहें तो डायनेमिकली एलोकेट कर दें साइज, या फिर आप फिक्स्ड साइज एलोकेट कर दें अपनी हार्ड डिस्क को। डायनेमिकली एलोकेट करने का मतलब क्या होगा कि जितना आपका काम होगा उसके मुताबिक ही वो स्पेस लेगा, लेकिन फिक्स्ड का क्या मतलब होगा कि अगर आपका काम 2 GB का और आपने अलॉट इसे किया हुआ है 35 GB, तो 35 GB इसी साइज इस ही काम के लिए जो ना फिक्स हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायनेमिकली रखें। नेक्स्ट करें तो इसमें आप यहाँ पे इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसे रखूँगी फोल्डर में, कंट्रोल शिफ्ट एम फोल्डर OS, तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इसे आप सेव कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसे रख लें 35 GB, क्योंकि विंडोज सर्वर, ये जो सर्वर 2019 होता है ना, इसको मिनिमम जो हार्ड डिस्क चाहिए होती है ना वो 32 चाहिए होती है। लेकिन हमने क्योंकि पहले डायनेमिकली सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली वर्चुअल मशीन जितनी स्पेस यूज करेगी ना, सिर्फ उतनी ही स्पेस इसमें से उसे अलॉट की जाएगी। तब इसे कर दें यहाँ से क्रिएट, ठीक है। ये देखें जी, हमारा सर्वर 2019 हो चुका है क्रिएट, ठीक है। होते हैं क्लाइंट के लिए, और यहाँ पे अगर आप फिक्स करेंगे ना तो फिक्स भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे डायनामिकली रहने दें। और एक बात और कि जब आप फिक्स करेंगे ना, तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको एक लोडिंग की जो लाइन है ना वो नजर आएगी, जिसमें आपको ये फिक्स साइज की एक हार्ड डिस्क है ना वो अलॉट कर देगा। तो आपने घबराना नहीं है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप डायनामिकली रहने दें। नेक्स्ट करें और इसमें आप इसे ऑलमोस्ट दे दें 25 GB, और साथ के साथ इसकी भी लोकेशन चेंज कर लें। हमने पहले रखा था फोल्डर F में, तो इसमें भी आप एक फोल्डर क्रिएट करें, न्यू में जाके फोल्डर, और इसमें आप नाम रखें इसको Win10, और इसमें जाके आप इसको सेव कर दें, सेव, ठीक हो गया। यहाँ से क्रिएट, ये ले जी हमारा Windows 10 के भी VM हो गई क्रिएट, और सर्वर 2019 के VM भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब सिर्फ हमारा काम रह गया है ये फाइल्स को करना। ये नेट का इशू आ रहा है, ओके जी। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारी जो ISO फाइल्स हैं दोनों डाउनलोड हो चुकी हैं। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें ना Ctrl J, फिर डाउनलोड का पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से ओपन नहीं करना, तो ये आपके जिस PC के किधर गया होगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर है ना, इसमें जाएगी हमारी एक ही है और एक ही है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, ये जो Windows 8 वाली ISO फाइल है, इसको मैं Ctrl X करके जो हमने Windows 10 का बनाया था उसमें रख देती हूँ। मैनेजमेंट करनी भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। और जो हमारी ये वाली फाइल है, इसको हम Ctrl X करके सर्वर OS में रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें दोबारा सर्च करने में आसानी हो, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया था, हमने दो वर्चुअल मशीन्स बनाई थी। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2019 का करेंगे, किससे करेंगे, बूट मीडिया हमारा क्या है, हमारा बूट मीडिया है ISO फाइल जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया, ठीक है। क्या करें, सेटिंग पे जाए,
और यहाँ से आप सिस्टम पे जाएं, स्टोरेज पे जाएं, और ये जो आपको एम्प्टी का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लें। तब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएं, सेटिंग पे जाएं और स्टोरेज पे जाएं, ये जो आपको एम्प्टी का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जाएं, और यहाँ से आपने जो आपकी ISO फाइल है ना, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। हम कौन सा बूट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ISO फाइल का, ठीक है। तो अब हमने सर्वर के लिए कहाँ पर रखी थी, ई में, एफ में, और इस फोल्डर में, और ये हमारी ISO फाइल है, ओपन करें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये जो ISO फाइल है ये अटैच हो चुकी है। इसके बाद आप सिस्टम पे जाएं और ये ऑप्टिकल को आपने फर्स्ट पे कर देना, ठीक है। इसके बाद ओके करें, ठीक है। तो अब आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देखें लोडिंग हो रही है फाइल्स, ये देखें हमारे जो सिस्टम है ना ये तैयार हो रहा है। तो अब हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हमसे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, इसे एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट करें और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। सेटअप इज स्टार्टिंग, स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, अगर बंदा बड़ा कोई आप एफिशिएंट कंप्यूटर यूज़र है तो आप ये फर्स्ट वाला कर लेंगे। हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमें CUI प्रोवाइड करता है, कमांड यूज़र इंटरफेस। हम यहाँ पे कमांड से के अपने कंप्यूटर को हैंडल करते हैं, लेकिन हम तो यूज़ करेंगे डेस्कटॉप इंटरप्राइज, क्योंकि ये हमें क्या डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करेंगे, हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें GUI प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट करें, तो इसमें ये आपको लाइसेंस वगैरह का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। तो अब आप क्लिक करें कस्टम के ऊपर, और यहाँ पे आपसे वो क्या कह रहा है, आपसे अगर जो हम अपने सिस्टम में पार्टीशंस वगैरह बनाते हैं, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी इस टाइम पे आप बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये न्यू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे 35 है, तो मैं क्या चाह रही हूँ, 33,000 की एक बन जाए। अप्लाई, ओके, ये देखें जी, ये हमारी 31.7 GB की बन चुकी है। अब ये वाली जो स्पेस है ये अनएलोकेटेड है, अगर आप इसे ऐसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, वरना अगर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो बना लें। तो न्यू के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई पे क्लिक करें, तो ये हमारी दो पार्टीशंस बन गई। तब हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल करेंगे, ये 31 वाले में, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये इंस्टॉलिंग विंडोज, ये बस फिनिश होने वाला है। ये जी स्टार्ट इन 9 सेकेंड्स, चलो जी रीस्टार्ट हो चुका है, ये हमारा जो काम है ये स्टार्ट हो चुका है। कोई भी की प्रेस कर दें, ये ले जी सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया। ये अब हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है। यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है कोई भी आप चाहें, तो यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, खुद से मैंने ये एक ही पासवर्ड लगाया था ताकि मैं आपको ये एरर शो करवा सकूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है, ठीक है। तो अगर आप इसी पासवर्ड लगाएंगे तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल लेटर सब यूज़ होने चाहिए, ठीक है। एंटर प्रेस करें, ये लें जो मैंने टॉप वाला पासवर्ड लगाया, तो ये फाइनलाइज हो गया। अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग, हमने विंडोज़ पे लॉगिन करना हो तो फिर ये हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अब हमने वर्चुअल बॉक्स में करना, राइट क्लिक, कंट्रोल डिलीट,
आप यहाँ पे प्रेस करें राइट कंट्रोल की और डिलीट एक साथ प्रेस करें, ठीक है, तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने कीबोर्ड से जो आपके माउस के ऊपर राइट क्लिक होता है वो, और ये जो चार ऑप्शंस के साथ कंट्रोल का बटन होता है वो, और साथ डिलीट उसे प्रेस करना, और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करें, एंटर प्रेस करें। प्लीज़ वेट फॉर द यूज़र प्रोफाइल सर्विस। सक्सेसफुली हमारा काम हो चुका है जी, ये अब हमारी विंडो जो है ना ये सक्सेसफुली काम में आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर जो वर्किंग है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अब इसे क्लोज करें, और इसे आपने हमेशा ना सेव द मशीन स्टेट पे रखना, ठीक है, और ओके पे क्लिक करें। ये सेविंग कर रही है, इससे क्या होगा कि आपकी जो करंट स्टेट होगी ना ये वो सेव करेगा, और जब भी आप अपनी मशीन को ओपन करेंगे तो आपको उसी स्टेट से आगे कंटिन्यू करवाएगा, ठीक है। 10 की जो है ना ISO फाइल डाउनलोड करने लगे। हमने पहले कौन सी डाउनलोड की हुई है, 8.1 की डाउनलोड टूल नाउ, ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्या है कंट्रोल जे शो इन अ फोल्डर, इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स करें, और जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर है उसमें जाके पेस्ट करें, ठीक है। तो ये हमारा एक्से फॉर्मेट यहाँ पर रखें, और अब इसे क्लिक करें यस। ISO फाइल करनी है नेक्स्ट, और ये आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं ISO फाइल। मैं इसे सेव करूँगी ऐप के अंदर विंडो 10 में, यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहना था कि पहले जो हमने दो फाइल्स डाउनलोड की थी ना, वो हमने एक सर्वर 2019 की OS फाइल की है, और एक हमने फाइल की है 8.1 की। तो हम क्लाइंट साइड पे कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, विंडो 10 की, तो इस वजह से अब मैं कौन सी कर रही हूँ, विंडो 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर बनाए कंट्रोल शिफ्ट एन करके, और उसको आप नाम दे दें विन 8। अगर हमें आगे जाके विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा तो फिर हम विंडो जो हमारी फाइल है ना OS की, इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम विंडो 10 में क्या सेव करेंगे, अपनी ISO फाइल, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है 95%। टेक अ फ्यू मिनट्स, ओके जी, ये देखें जी हमारे पास ये ISO फाइल आ चुकी है इसकी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो आप सेटिंग में जाएं, और यहाँ से आप जाएं स्टोरेज पे, इसको आप रेस करके इसकी जगह विंडोज 10 की लेके आए, ठीक है। चूज वर्चुअल बॉक्स विंडोज 10, ओपन, सही हो गया। अब सिस्टम में जाके ऑप्टिकल को फर्स्ट पे रखें, ठीक है, और ओके करें। अब क्लिक करें स्टार्ट पे, तो अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको एक प्रोडक्ट की चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करें CMD एंटरप्राइज करें, और ये जो आपको मैंने की बताई है ना इसको कॉपी करके Ctrl C करें, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, एंटरप्राइज करें, तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट की जो है ना मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप कॉपी करें Ctrl C, और नोटपैड पे ला के इसे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको एंटर करते हैं विंडो 10।
ये देखें जी, फाइनली हमारी जो विंडो 10 है वो काम में आ चुकी है। तो आज की वीडियो यहीं तक की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़।